गोसाईगंज में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जायसवाल ने आखिरकार भगवा फहरा ही दिया। नगर की जनता ने इस बार जाति पात से ऊपर उठकर अपनी बहन बेटी बहू को जीवित रहने का एक सहारा दे दिया। सोशल मीडिया पर जो नारा वायरल हो रहा था कि जिसने मेरा शहर बचाया हम उसके आभारी हैं, नगर की जनता ने आभार के रूप में नगर बचाने वाले शेखर जायसवाल की पत्नी विजय लक्ष्मी की ताजपोशी कर दिया। इनका परिवार नगर में उस समय से भगवा लहरा रहा है जब बीजेपी का कोई क्रेज नहीं था। गोसाईगंज नगर में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बात जब आती थी तो उसमें शेखर जायसवाल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। शेखर जायसवाल की चंद माह पहले आकस्मिक बीमारी से मौत हो गई, चुनाव सर पर था। बताया जाता है कि शेखर जायसवाल अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के बेहद करीबी थे, इसलिए लल्लू सिंह ने विजय लक्ष्मी को टिकट दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। टिकट की घोषणा के बाद विजय लक्ष्मी अपने दो बच्चों को लेकर नगर की जनता का समर्थन बटोरने में जुट गई। वैसे तो यहां अध्यक्ष के लिए कुल 6 दावेदार थे, लेकिन लड़ाई केवल विजय लक्ष्मी, हनुमान सोनी और राम प्रसाद में ही थी। हनुमान सोनी निर्दल प्रत्याशी थे, इसलिए उनको स्वर्णकार समाज के अलावा मुस्लिम समाज के मोहम्मद बैस अंसारी का समर्थन प्राप्त था, इसलिए उनका पलड़ा भारी दिख रहा था। राम प्रसाद सपा कैंडिडेट थे, इसलिए उनके पास कसौधन समाज के अलावा सपा का वोट था। विजय लक्ष्मी बीजेपी के सिंबल पर थी, इसलिए वह समूची जनता को अपना मानकर चल रही थी। नगर की जनता ने भी बीजेपी प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जायसवाल को अपनी बहन बेटी मानकर ईवीएम की सीटी को जमकर बजाया। आखिरकार विजय लक्ष्मी को जनता के आशीर्वाद के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई। अब यहां पर जनता के मन में एक सवाल है कि अध्यक्ष पद की ताजपोशी के बाद क्या विजय लक्ष्मी अपने वादों पर अडिग रहेंगी? क्या विजय लक्ष्मी गोसाईगंज नगर में अयोध्या जैसा विकास करा पाएंगी? क्या विजय लक्ष्मी अन्य लोगों की तरह ताजपोशी के बाद मनमाना रवैया को नहीं अधिकार कर लेंगी? जनता के मन में यह सवाल है जिसका जवाब न्यूज 524 जल्द ही विजय लक्ष्मी जायसवाल से लेगा और आपके समक्ष रखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।